देवघर जेएमएम महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा के माध्यम से मौके पर जुटी महिलाओं ने मां शीतला मंदिर पहुंचकर मां शीतला से हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मौके पर नेतृत्व कर रही महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नीलम देवी ने कहा कि आज देश की न्यायपालिका भी खतरे में है। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री को जबरन एक षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल भेजा गया है। हमारे नेता हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है और राज्य की जनता को विकास के साथ साथ न्याय दिलवाने के लिए कृत संकल्पित है। कल्पना सोरेन के मोर्चा संभालने से राज्य की महिलाओं में भी गजब का उत्साह है। आज हम लोग माता शीतला के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर माता से देश की रक्षा और हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए हाजिरी लगाई है। वहीं मौके पर महिला मोर्चा का मनोबल बढ़ रहा है। जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, संविधान की रक्षा हो। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री को बेवजह एक साजिश के तहत फंसाया गया है। आज महिला मोर्चा के द्वारा न्याय मार्च निकाला गया है, जिसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूर्व झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए जो है न्याय मात्रा यात्रा निकाला गया है। आज जो है माता शीतला का पूजा करेगा और उस पूजा में जो है रिहाई के लिए कामना करेगी। ठीक, कार्यक्रम पूरे राज्य में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है और जिस तरह से निर्दोष हेमंत जी को बिना फियार के उनको जेल में रखा है केंद्र सरकार के इशारे पर, उसका विरोध हो रहा है और हम लोग जनता के दरबार जा रहे हैं और भगवान के दरबार जा रहे हैं कि देश को बचाओ, न्यायपालिका को बचा लो, हमारे न्याय प्रणाली को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, जनतंत्र को बचा लो, आप ही मालिक हो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जीव प्राणी के लिए ईश्वर मालिक होता है। और जब से कल्पना मैडम ने इस लड़ाई के मोर्चा को संभाला है तब से झारखंड की तमाम महिलाएँ उद्वेलित हैं और आज देखिए उसी का परिणाम है कि देवघर जिले